Assalamualaikum students, welcome to Vila Board Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th Biology class. Beta 9th Biology chapter number 6 and aqueous enzymes. वो हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है. तो आज के लास्ट और टॉपिक्स में बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो एंजाइम्स हैं बेसिकली उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा है कि वो किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखा, एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं वो देखा, और इसी तरह से बेटा जो हमने उससे पहले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा है. तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे करेक्टर्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम के कुछ खास करेक्टर्स हैं, कुछ खसूसियात हैं उनकी बेटा, वो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 एंजाइम पेज नंबर 108 है आपके पास. ठीक है, चले तो बेटा शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा करेक्टर्स ऑफ एंजाइम. ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक से मुराद बेटा क्या है, खसूसियात, एंजाइम की खसूसियात. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. तो बेटा अगर हम एंजाइम्स की बात करें, इनकी करेक्टर्स की बात करें, तो पहली बात जो आपके पास यहां पे आ रही है वो है कि जो एंजाइम की टर्म थी सबसे पहले आपके पास किसने यूज की थी, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था हमारे पास, विलहेलम कोने. ठीक है, उसने ये टर्म आपके पास यूज की थी. तो इन 1876 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आपके पास था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था, विलहेलम कोने. क्या नाम था बेटा, एमसीक्यू के हवाले से ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहली एंजाइम की टर्म थी वो कब और किसने यूज की. तो ये था बेटा आपके पास विलहेल्म कोने. ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, किसने यूज की थी, विलहेल्म कोने ने ये पहली दफा ये टर्म यूज की थी. तो बेटा अब आते हैं इनके करेक्टर्स की तरफ. तो अगर इनके करेक्टर्स की बात करें तो एंजाइम सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एंजाइम्स आर दी प्रोटीन्स. ठीक है, करेक्टर पहला करेक्टर आ गया आपके पास इनकी नेचर, नेचर ऑफ एंजाइम. अगर आपने याद रखना है तो पहला करेक्टर आपके पास आ जाएगा नेचर ऑफ एंजाइम. तो जो आपके पास एंजाइम्स हैं, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी कौन से बेटा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन से क्या मुराद है बेटा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा राउंडेड सा होता है. ठीक है, दीज आर दी ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं, आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से. ठीक है, अमाइनो एसिड्स की एक पूरी की पूरी चेन होती है, और फिर उसके थ्री डायमेंशनल की स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसकी फोल्डिंग भी होती है उसमें. तो पहली बात आपने याद रखनी है कि एंजाइम्स आर दी प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन. सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर एंजाइम है आपके पास वो क्या है, प्रोटीन है. क्लियर हो गया. तो पहली बात आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर दी ग्लोब्यूलर प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा इसके दूसरे कैरेक्टर की तरफ. जो इसका दूसरा कैरेक्टर है वो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, रिएक्शन रेट. क्या बेटा, रिएक्शन रेट मतलब कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो और एंजाइम की एब्सेंस में हो तो क्या डिफरेंस आता है बेटा. तो जो आपके पास ऐसा रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है उसका जो रेट होता है वो मिलियन टाइम्स फास्टर. ठीक है, मिलियन टाइम्स फास्टर होता है रेट विद एंजाइम. ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हम एंजाइम के साथ करवाएं तो उसका जो रिएक्शन रेट है वो तकरीबन लाखों की लाखों टाइम्स जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और अगर वही जो आपके पास रिएक्शन है वो हम एंजाइम के बगैर करवाएंगे तो वो रिएक्शन बहुत देर से कंप्लीट होगा, लेकिन अगर उसी रिएक्शन को हम जो है एंजाइम की मौजूदगी में करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देंगे और क्या करेंगे, एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे, और जो उनके पास बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको इंक्रीज करने में क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये किसके तौर पर काम करते हैं, एज अ कैटलिस्ट.
कैटालिस्ट बेटा आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे लेकिन खुद कंज्यूम ना हो, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है, जो कैटालिस्ट है, वो जो है नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, ठीक है। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, मतलब वो जो खुद जो रिएक्शन में रिएक्शन करवा देता है, स्पीड अप करवा देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता। ये बात इंपॉर्टेंट है एंजाइम के हवाले से कि क्या करता है एंजाइम, रिएक्शन रेट को इंक्रीज तो करवा देता है लेकिन एट द एंड बिल्कुल जिस तरह एंजाइम एंटर हुआ था रिएक्शन में उसी तरह से वहां से रिमूव हो जाता है। तो ये था बेटा आपके पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, अब स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है कि खासियत, हर जो एंजाइम है बेटा वो किसी खास सबस्ट्रेट के लिए होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे बेटा हम लिख लेते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इसके लिए फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है बेटा, अब देखें हम जब इसके यूजेस हमने पढ़े थे तब भी हमने यूजेस जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो कुछ एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कुछ सबस्ट्रेट्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं। तो हर तरह के मतलब प्रोटीन्स के लिए जो एंजाइम होंगे वो और होंगे, मीन स्पेसिफिक होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम है वो और होंगे, और जो आपके पास लिपिड्स हैं उनके लिए जो एंजाइम है वो क्या होंगे, और होंगे। क्लियर हो गया, चले अब आते हैं बेटा इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे। तो जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है आपके पास वो है एक्टिव साइट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपके पास जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट का वर्ड क्या आपको शो कर रहा है, एक्टिवनेस, ठीक है। एंजाइम का ऐसा पार्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में वो आपके पास क्या कहलाता है, एक्टिव साइट, ठीक है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस, ठीक है। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। तो सिंपली बेटा आपके पास एक्टिव साइट क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम, कौन सा पार्ट, विच टेक पार्ट डायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्टली हिस्सा लेता है किसमें, विच टेक पार्ट डायरेक्टली इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखें एंजाइम जो पूरे का पूरा उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो जो है वो पूरे का पूरा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक स्मॉल जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है इन द केमिकल रिएक्शन टू कैटालाइज द रिएक्शन, ठीक है, टू कैटालाइज द रिएक्शन, मतलब एंजाइम का ऐसा छोटा सा पार्ट जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है केमिकल रिएक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये जो आपके पास एक्टिव साइट है ये बेसिकली इसका काम क्या है, इट रिकग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट, ठीक है। क्या करेगी, इट रिकग्नाइज मतलब ये सबस्ट्रेट की पहचान करेगी और उसके बाद क्या करेगी, एंड बाइंड विद द सबस्ट्रेट, ताकि जो आपके पास भी सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। क्लियर हो गया। तो क्या आपके पास एक्टिव साइट, एंजाइम का एक ऐसा छोटा सा पार्ट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करेगा, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करेगी, रिकग्नाइज करेगी, और रिकग्नाइज करने के बाद बेटा उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी और फिर जो है वो रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट्स हैं जो आपके पास वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद है बेटा आपके पास के जो एंजाइम प्रोडक्शन, जो आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी बुक में मेंशन की गई है बेटा, वो है एंजाइम
प्रोडक्शन। अब देखें हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो ज्यादा चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे तो ऐसे एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। सो बेटा एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय द सेल अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। एंजाइम जो प्रोडक्शन है कैन बी इनहेंस्ड बेटा वो बढ़ाई भी जा सकती है और डिमिनिश या उसको कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, जिस तरह से हमारी बॉडी को जरूरत है उसके मुताबिक जो एंजाइम की प्रोडक्शन है उसको हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपके पास दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट करते हैं। एक होते हैं एक्टिवेटर्स, ठीक है, जो इसकी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं एंजाइम्स की। और दूसरे होते हैं आपके पास बेटा इनहिबिटर, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप कह सकते हो इनहिबिटर्स, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन को या जिनकी वर्किंग है उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा पांच प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है कि किस तरह से जो एंजाइम की नेचर क्या है, एंजाइम का रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट होता है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, उनकी एक्टिव एक्टिव साइट क्या होती है, और जो एंजाइम प्रोडक्शन है बेटा उसको हम इनहेंस भी कर सकते हैं और डिमिनिश भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होगी उसके मुताबिक जो है हम एंजाइम्स को बेटा जी क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो क्या करता है आपके पास जब भी हमें जरूरत होती है उसके मुताबिक क्या कर लेता है वो बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एंजाइम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करवा सकता है और डिक्रीज भी करवा सकता है। चले यहां तक क्लियर है। अब आते हैं बेटा इसकी अगली प्रॉपर्टीज की तरफ जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। राइट डाउन एनी फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं आप जो अगली इसकी प्रॉपर्टी है ना वो बेटा ये है कि आपके पास जो कुछ एंजाइम्स हैं वो तो डायरेक्टली सिंपली प्रोटीन होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो एंजाइम्स हैं वो नॉन प्रोटीन पार्टमेंट को चाहिए होता है। जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है वो ये है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो कुछ एंजाइम्स हैं वो डायरेक्टली वर्किंग कर लेते हैं लेकिन जो आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर करते हैं, ठीक है। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कोफैक्टर। तो पहली डेफिनेशन यहां पे आपके पास आ गई को फैक्टर क्या है, सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, या आप कह सकते हो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ किसका, पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज को फैक्टर। अब बेटा ये जो को फैक्टर है आपके पास ये दो तरह से हो सकता है, एक तो ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास इनऑर्गेनिक हो सकता है। अब अगर तो ये आपके पास जो को फैक्टर है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो आपके पास इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपके पास आते हैं मेटल आयंस, ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हीम एंड फ्लेविन। इनऑर्गेनिक में आएंगे बेटा आपके पास क्या, मेटल आयंस जैसे कॉपर आयंस, जिंक आयंस, ये बेटा अपना रोल प्ले करते हैं एज अ को फैक्टर। और दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे आपके पास फ्लेविन एंड आप कह सकते हो हीम ग्रुप, ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी है, हीम ग्रुप होता है और आपके पास क्लोरोफिल में भी, ठीक है। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो क्या कहलाता है, को फैक्टर। को फैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एग्जांपल है फ्लेविन एंड हीम और दूसरी तरफ आपके पास इनऑर्गेनिक एग्जांपल है मेटल आयंस, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिक को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ द ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द नेक्स्ट वन इज द कोएंजाइम। ऑर्गेनिक को ही बेटा हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पहला कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, और दूसरा आपके पास कोएंजाइम, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा कोएंजाइम। तो अगर तो बेटा आपके पास जो ऑर्गेनिक को फैक्टर है
वो स्ट्रोंगली अटैच हो, टाइटली बाउंडेड हो, ठीक है। अगर तो आपके पास जो वो फैक्टर है वो टाइटली बाउंड हो तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप। इफ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज टाइटली बाउंडेड टू द एंजाइम देन दिस कोफैक्टर इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक ग्रुप। दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा कि जो आपके पास इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच, ठीक है, फिर हम इनको क्या कह देते हैं, को एंजाइम। अगर लूजली अटैच होगा तो क्या होगा, को एंजाइम, पर अगर स्ट्रॉन्गली अटैच होगा, बाउंडेड होगा, तो वो क्या होगा आपके पास, प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास अगर हम बात करें कि जो को एंजाइम है ये करते क्या है, पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर को एंजाइम गिव देयर फंक्शन। तो को एंजाइम आपके पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, ठीक है। मतलब इनका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट क्या करना है इन्होंने, ग्रुप्स, डिफरेंट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं या अदर ग्रुप्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। इनका ये काम होता है, इन्होंने जो ग्रुप्स हैं, केमिकल ग्रुप्स हैं, उनको एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ क्या करवाना होता है, मूव करवाना होता है। यहाँ पे आप एंजाइम लिखे तो बेस्ट रहेगा, फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम, ठीक है। आपके पास अगर एग्जांपल्स देखिए, हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो एक्ट एज कोएंजाइम, जो आपके पास मोस्टली बेटा विटामिन्स हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, एज अ कोएंजाइम। एग्जांपल है राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड द फोलिक एसिड, कौन कौन सी बेटा, फ्लेविन, थायामीन एंड वी हैव फोलिक एसिड, क्लियर हो गया। चलें अब बेटा फिर से देखें, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं को फैक्टर, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक एग्जांपल हमने देखी है हीम एंड फ्लेविन, इनऑर्गेनिक में देखे हमने मेटल आयंस। फिर हमने देखा कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक को फैक्टर है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड दी को एंजाइम। प्रोस्टेटिक ग्रुप स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड एंड को एंजाइम इज लूजली अटैच। इसके बाद बेटा जो लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, वो है कि मेटाबोलिक पाथवे बनाते हैं, जो एंजाइम है वो मेटाबोलिक पाथवे बनाते हैं, कि मतलब जो एक एंजाइम के लिए जो रिएक्टेंट है दूसरे के लिए वो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझें कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट था, ठीक है, जब ये कन्वर्ट यहाँ पे एंजाइम आया आपके पास ए, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट बी में, ये क्या एंजाइम है, इसने एक्ट किया इस वाले सबस्ट्रेट पे। अब बेटा यही जो रिएक्टेंट है ये आपके पास कोई और एंजाइम है वो इस पे रिएक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सी में, इस तरह से यहाँ पे सी एक एंजाइम है वो रिएक्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डी में। सो बेटा एक मेटाबॉलिक पाथवे एंजाइम वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ऑर्डर में वो दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब एक पूरा पाथवे बन जाता है आपके पास। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम, ठीक है। ये देखें जैसे कि ये वाला जो एंजाइम है इसने इस वाले एंजाइम की प्रोडक्ट को लिया, फिर ये वाला जो एंजाइम है इसने इस वाले एंजाइम की प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट यूज किया है। तो इस तरह से बेटा एक पूरे का पूरा आपके पास क्या बन जाता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे बन जाता है। तो ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।